हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, हम देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके निकल चुके हैं पुरी के लिए, यानी जगन्नाथपुरी, भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, अब देवघर से निकल रहे हैं तो रास्ता देख सकते हो कितना बेहतरीन है। चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार चल गलत जाते चल घिसत जाते मरत जा आ आ आ आ। सो गाइस, हमारी जो गाड़ी है वो अभी नॉन स्टॉप चल रही है। रात भर से चल रही थी गाड़ी और सुबह उठते से उठे तो है ही नहीं, सोए तो है ही नहीं, तो उठेंगे कहाँ से। आप पहुँचते से यहाँ पे दर्शन करें और दर्शन करके यहाँ से निकल लिए हैं, और अभी भी नॉन स्टॉप गाड़ी चल ही रही है हमारी। और विचार ये किया है कि एक जगह पे बीच में कहीं पे स्टॉप ले लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से 700 किलोमीटर और जाना है पुरी के लिए। तो यहाँ देवघर से और जगन्नाथपुरी जो है वो 700 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इस वजह से 700 किलोमीटर डायरेक्ट नहीं चल पाएंगे, क्योंकि रात भर से जगे हुए हैं, इस वजह से स्टॉप लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कहीं पे स्टॉप ले लेते हैं, वहाँ रुक के और कुछ देर सो करके आराम करके फिर वहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, अब आपको मैं वो बात बता देता हूँ जिसके बारे में आपसे कह रहा था कि हम रात में फंस गए थे। फंसे तो नहीं थे, क्या हुआ कि रात में हम नॉन स्टॉप चले थे और हमें पता नहीं था रास्ते कैसे हैं। तो कुछ इलाका ऐसा था जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, तो वहाँ पे क्या है, VSF वाले जो थे उन्होंने जाने नहीं दिया गाड़ियों को, जितनी भी फोर व्हीलर्स वगैरह थी और भी जो थे वाहन, उनको जाने नहीं दिया, वो जाने नहीं दे रहे थे। तो वो खुद अपने जो वज्र वाहन होता है उसको आगे उन्होंने कर लिया था, उसके बाद पीछे से हम लोगों को ले लिया और हम उनकी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे थे। तो ऐसे करके उन्होंने हर ऐसे संवेदनशील जगह पर से हमको निकाला, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी यार। वास्तव में हमारी जो इंडियन आर्मी है वो कितनी मेहनत करती है। रात में 2:30 बज रहे थे उस टाइम पे, हमें तो पता ही नहीं था, और भी जो लोग फोर व्हीलर से और जितने वाहनों से रात में जो सफ़र कर रहे थे उनको भी इस एरिया के बारे में पता नहीं था। तो वो लोग आ गए, हम भी आ गए, तो हम वहाँ खड़े, तो जगह जगह पर उनकी गाड़ियाँ जो है वो छोड़ छोड़ के जा रही थी सभी को। तो आगे VSF वाले हो जाते थे और पीछे से हम लोग पर लेते थे, और ऐसे करके वो लोग उस एरिया को हमें पार करवाते थे। तो ऐसे करके हम लोगों की मदद करी उन्होंने। सो गाइस, हमने बनारस में पेट्रोल डलवाया था, लेकिन अब जो है हम देवघर से निकलने के बाद इधर पूरी जा रहे हैं ना, तब पेट्रोल डलवाया है। अब ये 3182 रुपये है, वहाँ पे 3000 का डला था, यहाँ पे 3182 का डला है। सो गाइस, अभी हम लोग रुके हैं एक घनघोर जंगल में, देख सकते हो। तो गाइस, अभी हम लोग झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं, और अभी हमारी जो गाड़ी चल रही है वो वेस्ट बंगाल में ही चल रही है, और वेस्ट बंगाल से निकल के हम पहुंच जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में ही है हमारी जो अगला डेस्टिनेशन है, यानी पुरी, जगन्नाथपुरी। ये है नेशनल हाईवे क्रमांक 19, तो ये तो काफ़ी ठीक है। देखने को नहीं मिलता, लोग खेतों पे भी होते हैं ना तो वो भी काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पूरे इधर जंगल भरा पड़ा है। रोड पे भी कितने बड़े, ये आपस में एक दूसरे से मिल तक रहे हैं ये पेड़, देखो। सो गाइस, अभी ये जो जंगल आया है ये भी पश्चिम बंगाल में ही है, और इसका नाम है अबला गोरा रेंज एलिफेंट कॉरिडोर। तो गाइस, अभी हम लोग अपने मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, और
रास्ते में हमें दिखाई दिया है, ये पीछे देख सकते हो कितना शानदार नजारा है, अभी आपको और अच्छे से दिखाते हैं। सो भाई चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका है और रात के 10 बज चुके हैं, तो हमने उचित समझा यहाँ पे होटल लेके रहना, तो ये वाला होटल लिया है हमने और इसी होटल में हम जो है आज की रात गुजारेंगे।